कोरोना महामारी ने बीते एक साल से लोगों को परेशान किया हुआ है। हालांकि अब कोरोना की दवा भी बन चुकी है और भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान भी शुरू है। कई लोगों को कोरोना का टीका लगाया भी गया है। इसकी वजह से अब नागरिकों के बीच कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोग बिना मास्क के ही इधर उधर आवागमन कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका उल्टा प्रभाव अब नागपुर में नजर आने लगा है। एक बार फिर से नागपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लग गई है। नागपुर जिले में बीते 24 घंटे में 500 कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा दिन भर में 5 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसमें से 3 शहरी भाग के हैं, जबकि 2 ग्रामीण इलाके के मरीज थे। इस खबर में एक बार फिर से प्रशासन की मुश्किलें पड़ आती है। कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ने का सिलसिला बीते एक सप्ताह से नागपुर में चल रहा है। इसी सिलसिले में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने पत्रकारों से बात की तो आयुक्त ने बताया कि शहर में बीते कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए गुरुवार को मनपा में आरोग्य विभाग की एक अहम बैठक ली गई। आगे उन्होंने कहा कि शहर के कुछ क्षेत्रों से पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। पिछले 3 से 4 दिन में अपना नागपुर शहर में केसेस, कोरोना केसेस का नंबर थोड़ा बढ़ रहा है। इसका ध्यान में लेके कल हम हमारे पूरा हेल्थ का टीम, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स, उनके सबके साथ एक डिटेल रिव्यू लिया था। डिटेल रिव्यू के बाद हम पिछले 7-8 दिन का केसेस का डिटेल्स और कहाँ से आ रहे, कौन सा कैसे प्रकार का स्प्रेड हो रहे, ये सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम एक इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स शहर में कुछ जगह पे आइडेंटिफाई कर दिया, जिस जगह से कंटिन्यूसली एवरीडे केसेस आने के लास्ट 7-8 दिन से अपने लग रहे। उस एरिया में अभी एक इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्यक्रम अभी शुरू किए हैं। उस पर उस एरिया में उदाहरण जैताला में हर घर वगैरह डोर टू डोर जाके उनको हर घर पर टेस्टिंग करवा के लोगों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन करने का काम अभी अपना प्रशासन के द्वारे शुरू हो गया है। इस पर मेरा नागरिक को रिक्वेस्ट है, जिस इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स एरिया है उस एरिया में रहने वाले लोगों ने उनका एरिया का खुद का सिम्टम आने तक वेट न करके आजू बाजू में जो अपना महापालिका का टेस्टिंग सेंटर्स है, UPHC प्लेसेस में है और कुछ RT-PCR सेंटर भी अलग अलग रखा है, उधर जाके उनका खुद का टेस्टिंग करवा के लीजिए। इससे आपका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से तुरंत हो जाएगा और आपका घर वाले के स्प्रेड करने से हम बच सकते हैं। होम क्वारंटाइन टाइम पे ले लेंगे तो और औषध उपचार कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ हम कर दिया था, अभी जो पिछले 1-1.5 महीना में जो हम देख रहे हैं मार्केट में जो गर्दी भीड़ बढ़ गए और बसेस में भीड़ बढ़ गए सब जगह में, उसी जगह पे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जैसे मास्क यूज़ करने का और हैंड वॉश करने का, सैनिटाइजर यूज़ करने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन का, इस चीज़ में जिस जगह पे कमी तरता हो रहे वहाँ पे जैसे NDS के द्वारे जो पेनल्टी लगाने का एक कठोर डिसीशन फुल फ्लेज में अभी करने वाले हैं। मनपा आयुक्त ने कहा कि इस संक्रमण को रोकने के लिए व्यापारी यूनियन सभागृह मालक होटल मालकों के साथ बैठक ली जाएगी। इसके अलावा अपना जो होटल एसोसिएशन शॉपकीपर्स उनके साथ भी मीटिंग आज होने वाला है, उनका भी मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। जे मैरिज हॉल्स है, मैरिज हॉल्स में जिसे परवानगी दिए है 50% ऑफ द कैपेसिटी होना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे अपना पिछले 7-8 दिन में निदर्शन में आया, जिस जगह पे मैरिज हॉल में फुल कैपेसिटी में चल रहे थे और लोगों का वैसे प्रकार का एक कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, उस जगह के बारे में भी हम टफ डिसीजन लेने वाले हैं। जिस जगह से अपना रेगुलर केसेस आ रहे हैं वैसे हम एक 7-8 लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, जैसे कामला है, लक्ष्मी नगर में कामला सिंधी कॉलोनी है, स्वावलंबी नगर, जैताला और हनुमान नगर में अयोध्या नगर, अपना अंबाजरी एरिया है, धर्मपेटू है और नेहरू नगर में वाटोड़ा है, दिगोरी है और मंगलवारी में जरीपटका, ऐसे लोगों एरिया में जो हम ज़्यादा फोकस करने वाले, डिटेल फोकस इसी ज़्यादा इसी जगह से कंटिन्यूस आ रहे केसेस और कुछ एरिया में फ्रीक्वेंटली आ रहे, एक एक घर पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इस जगह पे आप ज़्यादा से हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उस हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी हमने रिक्वेस्ट किया है, एक आधा केस भी आ गया, एक घर पे भी केस आ गया, बाकी हाउसिंग सोसाइटी वाले ने पूरा
सारे मेंबर्स लोगों का टेस्टिंग करवा के लेना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का लिफ्ट कामन रहता है, सब लोगों का सीडी कामन रहता है, सब लोगों में पेपर देने वाले और दूध देने वाले आदमी कामन ही रहता है। इसलिए ऐसे नहीं लगना नहीं चाहिए, वो दूसरे घर पे रहते हम दूसरे घर में रहते, सो वो पहला वो जो संभ्रम दूर होना चाहिए, इसके लिए वो एग्रेसिव इसको हॉटस्पॉट ऐसे टाइप का हम सोच के उनके ऊपर एक रिगरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी करेंगे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।